भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों और भाइयों, आज थोड़ा सा जो कुछ भी कल बताया था उसको शॉर्ट में फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। और ये पंचकोशी साधना और कुंडलनी साधना किस उद्देश्य से की जाती हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गायत्री जो है वो हमारी परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा की विश्वव्यापी महाशक्ति है, और ऐसी शक्ति है जिसका स्वरूप हम प्रकाश के रूप में लेते हैं, ज्ञान के रूप में लेते हैं, और उसका निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने आप को उत्कृष्टता की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। हमारे क्रियाकलाप आदर्शवादी हो जाते हैं, जीवन हमारा ओतप्रोत से भर जाता है। गायत्री रूपी परम ब्रह्म सत्ता की उच्च स्तरीय साधना को ही हम ध्यान कहते हैं, और ये ध्यान का ही स्वरूप है जब हम गायत्री की उच्च स्तरीय साधना करने के लिए पहुंचते हैं। साधारणतः जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, गायत्री एक मुख वाली और दो भुजा वाली, और दो भुजा के अंदर उसके एक हाथ में कलश है और एक हाथ में पुस्तक है, एक में कमंडल है और एक में पुस्तक है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और कमंडल कर्म का प्रतीक है, यानी ज्ञान और कर्म रूपी ये दो हाथ जिसको दायां और बायां कहते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन जब हम उच्च स्तरीय साधना में आते हैं, पंचकोशी साधना में आते हैं, तब हम इस उच्च स्तरीय साधना के अंदर देखते हैं कि गायत्री के पांच कोश हैं, पांच आवरण हैं। जब पांच मुख हैं, पांच आवरण हैं, तो दस भुजाएं होंगी। ये दस भुजाएं दस सिद्धियां, दस अनुभूतियां हमारी प्रकट करती हैं। पांच भुजाएं बाई तरफ और पांच भुजाएं दाहिनी तरफ, अर्थात पांच जो हैं वो भौतिकता से संबंधित हैं और पांच जो हैं वो आत्मिक शक्तियों और सिद्धियों का प्रतीक है। जहां भी अवतरण, वहां पर दसों भुजाएं शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बताती हैं। गायत्री साधना का उद्देश्य, उच्च स्तरीय साधना का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य यही है कि हम इनके माध्यम से शक्ति को प्राप्त करें। और दस शक्तियां, दस सिद्धियां जीवन साधना के द्वारा जब प्राप्त की जाने लगें, तब हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी साधना उच्च स्तरीय पथ पर अग्रसर हो रही है। ये धीरे धीरे अग्रसर होती है उच्च स्तरीय पथ पर। इसमें दो प्रकार की चीजें फिर आगे जाकर हो जाती हैं, एक कुंडलनी की हो जाती है और एक पंचकोश की हो जाती है। पंचकोश का आत्मिक और कुंडलनी से मतलब भौतिक शक्ति से। पांच मुख हैं जीव सत्ता के साथ, पांच सशक्त देवता उसके लक्ष्य प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए मिले हैं। जब ये निद्राग्रस्त होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शरीर के अंदर मृत्यु तुल्य पड़े हुए हैं। हैं तो सही, लेकिन ये ऐसा है जैसे मृत प्राय पड़े हुए हैं, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। और जब ये जागृत हो जाते हैं तो मित्रों, इनके अंदर असीम शक्ति हमको मिलने लगती है। शरीर के अंदर पांच तत्वों का
उल्लेख पांच देवताओं के रूप में किया गया है। ये पांच देवता कौन कौन से हैं, पांच तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें आकाश एक है और जिसके अधिपति देवता विष्णु कहे जाते हैं। दूसरा अग्नि है, जिसकी स्वामिनी माहेश्वरी देवी कही जाती है, माहेश्वरी शक्ति कही जाती है। और तीसरा वायु है, वायु के अधिपति देवता सूर्य कहे जाते हैं। चौथा पृथ्वी है, जिसके स्वामी शिव कहे जाते हैं। और पांचवा और आखिरी जल है, जिसके अधिपति देवता गणेश कहे जाते हैं। पांच तत्व के जो हमारे तत्व हैं, पांच प्राण, ये वाइटल फोर्सेस हैं, ये एनर्जी हैं, ये शक्तियां हैं, और इनके माध्यम से ये धीरे धीरे जागृत होते हैं और शक्तियां हमको मिलती हुई चली जाती हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां उन्हीं के आधार पर अपने अपने विषयों का उत्तरदायित्व निभाती रहती हैं। इसी प्रकार से काय कलेवर का भी निर्माण हुआ है, जिसमें एक को रस, दूसरे को रक्त, तीसरे को मांस, चौथे को अस्थि और पांचवें को मज्जा के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। ये सब है जैसे एक दूसरे के ऊपर आवरण लगा रखें। आपने देखा ना, केले का वृक्ष देखा होगा तो केले के वृक्ष के तने को देखा होगा, तने में से जब आप एक चीज निकाल देते हैं तो दूसरा आवरण आ जाता है, दूसरे को निकालते हैं तो तीसरा आ जाता है, तीसरे को निकालते हैं तो चौथा आ जाता है, ये आवरण है। इसी प्रकार से आपने प्याज को भी देखा होगा, ऊपर से एक आवरण उतार देते हैं तो दूसरा आता है, दूसरा उतार देते हैं तो तीसरा आता है, तीसरा उतार देते हैं तो चौथा आता है, ये सब आवरण है। आवरण कहते हैं जिसको हम पर्दा कहते हैं, आवरण कहते हैं जिसको हम कवर कहते हैं। जैसे तलवार म्यान में रखी रहती है तो उस तलवार का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, और जब तलवार म्यान से निकल जाती है तब वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है। ये आवरण मित्रों उसी प्रकार से है जिस तरीके से मनुष्य बनियान पहनता है, ऊपर से कमीज पहनता है, ऊपर से जैकेट पहनता है, ऊपर से कोट पहनता है, ऊपर से ओवर कोट पहनता है, अर्थात ये सब क्या है, ये सब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें धीरे 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 जागृत करना पड़ता है, और जब ये जागृत हो जाते हैं तो यही शक्तियां हमको मिलती हुई चली जाती हैं, और इन्हीं शक्तियों से हम अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपनी रिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धि और रिद्धि दाईं तरफ की और बाईं तरफ की, ये सारी चीजें हमको एक के बाद एक मिलती हुई चली जाती हैं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये पांच कोश हैं, पांच तत्व हैं, पांच कोश हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच प्राण हैं, पांच उपप्राण हैं, पांच तन्मात्राएं हैं, पांच यज्ञ हैं, पांच देव हैं, पांच योग हैं, पांच, ये सारी की सारी चीजें पांच हैं। और इनको सिद्ध करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्ध करता है, और सिद्ध करने वाला व्यक्ति जब पुरुषार्थी बन जाता है तो उसी व्यक्ति को हम उपमा देते हैं ऋषि की, उसी व्यक्ति को हम उपमा देते हैं राज ऋषि की, उसी व्यक्ति को हम उपमा देते हैं ब्रह्म ऋषि की, उसी व्यक्ति को हम उपमा देते हैं महर्षि की, और उसी व्यक्ति को हम उपमा देते हैं देव ऋषि की। ये सब आत्मोन्नति की पांच कक्षाएं हैं, पांच भूमिकाएं हैं। धीरे धीरे करके एक एक कक्षा को उत्तीर्ण किया जाता है। भारतवर्ष के अंदर प्राचीन काल का आप इतिहास देखेंगे तो न जाने कितने लोगों ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से इनको सिद्ध किया, और इसीलिए हमारी भारतवर्ष की भूमि ऋषि भूमि कही जाती थी। ऋषि भूमि इसलिए कही जाती थी कि ये ऋषि लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से इन सारे सारे कोशों को जागृत कर लिया था, और जागृत करने के बाद सिद्धियां प्राप्त करी थी। आपको याद है परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय की यात्रा पर जाया करते थे तो ऋषियों से उनका सानिध्य होता था। ये सारे ऋषि जो हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर इन चीजों को जागृत किया था,
और वो उसी के अनुसार अपनी श्रेणी के ऋषि कहलाए थे। कोई साधारण ऋषि कहलाया था, कोई महर्षि कहलाया था, कोई ब्रह्म ऋषि कहलाया था, कोई महर्षि कहलाया, ये सब एक के बाद एक है। अब इसमें जो हमारे पांच चीजें आती हैं, उन पांच चीजों में सबसे बड़ा स्थान, जैसे मैंने कल बताया था, वो अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष का जो मुख्य स्थान है वो क्या है, कहाँ से जाता है, वो मुख से होकर जाता है, मुंह से होकर जाता है, और उसका स्थूल रूप में वर्णन किया गया है। स्थूल रूप का मतलब क्या होता है कि शरीर, शरीर का मतलब क्या होता है, अन्न का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आपका अन्न कैसा है, आपका अन्न किस तरीके का है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और शरीर पर उसके अंदर की चिकित्सा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बीमार हो जाते हैं, कोई कैप्सूल देते हैं, कोई गोली देते हैं, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और शरीर के कितने अवयव हैं, शरीर के बहुत सारे अवयव हैं, जिसमें मैंने कल आपको एक मस्तिष्क भी बताया था। ये मस्तिष्क हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव कहलाता है, और ये शरीर का जो मस्तिष्क है वही अपनी तीन अवस्थाओं को बताता है, जिसमें एक का नाम है चेतन, एक का नाम है अचेतन, और तीसरे का नाम है जिसको कहते हैं उच्च चेतन की अवस्था। ये हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, ये हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उसमें जो उच्च साधना कहलाती है वो हमारी कहलाती है उच्च चेतन की अवस्था में। ये पांच कोष हैं, इन पांच कोशों के देवताओं को जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मित्रों, पहला कोष जो हम बता रहे थे आपको वो है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष जब सिद्ध हो जाता है तो शरीर हमारा निरोग रहता है, वरना अन्न अगर हमारा सात्विक नहीं है, संस्कारित नहीं है। अब अन्न की भी तीन चीजें होती हैं, अन्न की भी तीन चीजें कौन सी, शायद मैंने आपको कल ना बताई हो। एक चीज होती है स्वाद, दूसरी चीज होती है कि उसके अंदर कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन हैं, कितने उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, क्या चीज है। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी गीता में भी कहा गया है और जो हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, वो चीज है अन्न का संस्कार। आपको होटलों के अंदर मिनरल्स मिल सकते हैं, आपको होटलों के अंदर स्वाद मिल सकता है, विटामिन मिल सकते हैं, लेकिन जो एक माँ के हाथ का घर में भोजन बनाया जाता है, वैसे संस्कार आपको होटलों के भोजन में नहीं मिल सकते। संस्कार सिर्फ माँ के भोजन में ही मिलते हैं, जो बड़े प्यार से बनाती है, बड़े अच्छे वातावरण में बनाती है, और श्रेष्ठ वातावरण में बनाया हुआ भोजन, प्यार से किया हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर संस्कार पैदा करता है। तो अन्नमय जो सिद्धि होती है उससे निरोगता आती है, दीर्घ जीवन मिलता है और चिर यौवन का लाभ हमको मिलता हुआ चला जाता है। दूसरी चीज आती है जिसको हम प्राणमय कोष कहते हैं। प्राणमय कोष से साहस जागता है, ये एक प्रकार से विद्युत है। प्राणमय कोष कैसी विद्युत है, देखा होगा कारखाने में मशीनें तो बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, लेकिन जब तक विद्युत का प्रवाह नहीं होता तब तक ये मशीनें बिल्कुल बेकार पड़ी रहती हैं, चलती भी नहीं है, एक बहुत बड़े स्थूल रूप में वहां पर रखी रहती हैं। लेकिन जैसे ही बिजली का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह के कारण वो सारी मशीनें अपनी गतिविधियां दिखाने लगती हैं। इसी प्रकार से जब शरीर के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, उस शक्ति का प्रवाह होता है, तो शरीर के अंदर जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारा पराक्रम है, जो हमारा शौर्य है, जो हमारा साहस है, ये सारी विशेषताएं धीरे धीरे कर मनुष्य के बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। वरना स्वभाव से देखा जाए तो मनुष्य बड़ा भीरू प्रकृति का है, डरपोक प्रकृति का है, लेकिन जब उसके अंदर से एक प्रवाह निकलता है, विद्युत का प्रवाह निकलता है, तो उसके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है। आपने अभी रामायण के अंदर भी देखा होगा, पहले भी देखा होगा, कि हनुमान जी की वो शक्ति लुप्त हो गई थी, और जैसे ही इस शक्ति का प्रवाह
कराया गया था और उनको इस चीज का आभास कराया गया था कि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, तो क्या हुआ, एक विद्युत का प्रवाह हो गया और उस प्रवाह के कारण उनको आभास हुआ कि मेरे अंदर शौर्य है, मेरे अंदर साहस है, मैं पराक्रम दिखा सकता हूं, मेरे अंदर प्रतिभा है। और उन्होंने अपनी प्रतिभा का और अपने पराक्रम का एक उदाहरण दिया था और उन्होंने उस समुद्र को लांग लिया था और उधर रामेश्वरम से कहां पहुंच गए थे, लंका पहुंच गए थे। ये रहा हमारा प्राणमय कोश। मनोमय कोश की विशेषता बहुत दूर होती है। मनोमय कोश की विशेषता होती है आकर्षण चुंबक की तरीके से, और व्यक्ति के अंदर जब चुंबक बढ़ता है तो एक चीज होती है कि उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ चला जाता है। आप देखते हैं ना, जैसे चुंबक को आप किसी भी स्थान पर रख देते हैं और आसपास अगर लोहे के कण होते हैं तो लोहे के कण उसकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर का मनोमय कोश जागृत होता है साधना के माध्यम से, तो लोग हमारे प्रभाव से आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, हमारी बुद्धिमता धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। उतार और चढ़ाव में, दुख और सुख में धैर्य बराबर बना रहता है और दूसरे लोग आकर्षित होना हमारी तरफ प्रारंभ कर देते हैं। ये कब होता है? ये तीसरे कोश के जागरण से होता है, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। इसके बाद चौथा कोश आता है जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश एक सबसे बड़ी चीज बताता है कि मनुष्य के अंदर सज्जनता कितनी है, उसके अंदर उदारता कितनी है, उसका हृदय के अंदर सहृदयता है कि कठोरता है, उसके अंदर भाव संवेदना है कि नहीं है, कहीं वो निष्ठुर तो नहीं है, कहीं वो निर्दयी तो नहीं है। इस विज्ञानमय कोश के जागृत होने के बाद मित्रों, हमारे अंदर की सज्जनता, हमारे अंदर की सहृदयता, इसका विकास होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर देवत्व की विशेषताएं उभरती रहती है, अतिंद्रिय ज्ञान हमारा बढ़ता रहता है और इसके साथ साथ दिव्य दृष्टि जैसी उपलब्धियां हमको प्राप्त होती रहती हैं। ये रहा हमारा चौथा कोश जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। और इसके बाद जब पांचवा कोश आता है उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का जब विकास होता है, आनंदमय कोश का जब जागृत होता है, तो मनुष्य अपने कर्तव्य को समझने लगता है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, किस तरीके से काम। और इस स्तर पर आने के बाद मनुष्य अपने आप को हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आनंद की अनुभूति करता है, अर्थात उसको आत्मा अनुभूति होने लगती है कि मैं क्या हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं अयम आत्मा, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, इस सारी चीजों की अनुभूति इसको होने लगती है। तो ये हमारे पांच कोश हैं, जिसमें से एक एक कोश को जागृत जब करते हैं और उसको जागृत करने के बाद जो उपलब्धियां होती हैं वो हमको मालूम पड़ जाती हैं और वो उपलब्धियां धीरे धीरे हमको मिलती चली जाती हैं। और मित्रों, उन उपलब्धियों के माध्यम से हम अपने जीवन में निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब ऊंचाइयों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें, सिद्धियां, रिद्धियां और उत्कृष्टता और गुणों के प्रति लगाव, दुर्गुणों के प्रति घृणा, दुर्गुणों से दुराव, ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे आती हुई चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार का ध्यान हमको किस तरीके से करना चाहिए और ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है क्या, किस तरीके से करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस जीवन में जो शरीर हमको दिखाई देता है ये दो चीजों के मिश्रण से बनता है, जिसमें एक को हम, ये जो काया है ना, जो हाड़ मांस की काया दिखाई देती है वो होती है, और दूसरी चीज होती है उसको हम आत्मा कहते हैं। और जब एक बार जब हमने बात करी थी श्रद्धेय डॉक्टर साहब से, गुरुदेव से बात करी थी, तो उन्होंने एक चीज बताई थी, बेटा ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, अगर तुम ये पांच तत्व बना दोगे, मिला दोगे, तो क्या ये शरीर बन जाएगा?
क्या ये उसके अंदर मनुष्य बन जाएगा, चलता फिरता व्यक्ति बन जाएगा? उन्होंने कहा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये पांच चीजों के साथ एक चीज और भी मिली हुई है। वो कौन सी चीज है? उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको कहते हैं चेतना, उसको कहते हैं आत्मा। ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तब ये हमारा शरीर मिलता है, और जब तक ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है तब उसको आत्मा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको जीवात्मा कहते हैं। और जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है शरीर से तो वो जीवात्मा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? वो आत्मा कहलाती। और ये शरीर, शरीर हमारा सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला बना रहता है और उसके अंदर कोई चीज नहीं है। ध्यान के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक एक श्रेणी जब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा ध्यान के माध्यम से लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? कि मैं इस चीज का अनुभव करूं कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो और मस्ती करो और पेट और प्रजनन तक सारी जिंदगी को खत्म कर दो? नहीं, मेरा उद्देश्य कोई और है। ये कौन कराता है? ये इसी प्रकार की साधना का उद्देश्य है। मित्रों, जब ये साधना का उद्देश्य है तो सारी साधना जो हमारी गढ़ी गई है, और वो किसी भी प्रकार की हो, आप कोई सा भी उद्देश्य रखें, लेकिन सारी साधना का उद्देश्य एक ही है। क्या है? कि हमारे अंदर जो विकृतियां घुसी हुई हैं, जो कषाय कलमश घुसे हुए हैं, उन कषाय कलमशों का, उन विकृतियों का जब तक परिमार्जन नहीं होगा, तब तक हमको कुछ मिल नहीं सकता। यानी एक ही चीज है, चाहे वो उपासना हो चाहे वो ध्यान साधना हो, दोनों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमें अपना परिमार्जन करना पड़ेगा, हमें अपना परिष्कार करना पड़ेगा, हमें अपना शोधन करना पड़ेगा। चाहे आप किसी के माध्यम से करें, लेकिन जब तक इसका शोधन नहीं होगा, परिमार्जन नहीं होगा, जिसको हम परिष्कृत नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ मिल नहीं सकता। मित्रों, पांच कोशों की ध्यान धारणा से अपनी ही चेतना के पांच प्राण और अपनी ही काया के पांच तत्व इस प्रकार से उभर कर आते हैं और इस तरीके से परिष्कृत होते हुए चले जाते हैं, इस तरीके से शोधित होते हुए चले जाते हैं कि हम उन पांच और पांच यानी दस को क्या कहते हैं? दस दिग्पाल कहते हैं। दस क्या कहते हैं? उनको हम दस दिग्गजों की उपमा देते हैं। ये दस दिग्पाल और दस दिग्गज हमारे साथ चलते रहते हैं। ये पांच चीज जो बताई थी ना, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, आपको याद है एक बार अपने प्रवचन में बोले, यही हमारे क्या है? ये हमारे पांच वीरभद्र हैं, और इन्हीं पांच वीरभद्रों से हम जब चाहें, जिस तरीके से चाहें काम करा सकते हैं, हम हर क्षेत्र में काम करा सकते हैं। ये क्या है? यही हमारी पांच उपलब्धियां हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर जो शरीरगत ऊर्जा है, जिसके सहारे भौतिक जगत की अनेक शक्तियों को हम आकर्षित करते हैं और उससे हम समर्थ बनते हैं, उससे हम शक्तिवान बनते हैं, और पंचकोशों की सहायता से हम अपनी ही चेतना के पांच प्राण, अपनी ही काया के पांच तत्व को परिष्कृत करते हैं, प्रखर बनाते हैं। यानी दोनों का उद्देश्य अलग है। एक से हम आत्मिक प्रगति करते हैं, एक से हम भौतिक प्रगति करते हैं। भौतिक प्रगति होता है भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए यहां पर हम जो करेंगे वो पांच कोशों की साधना, जैसा मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहला कोश कहलाता है, जिसको अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, उसको अंग्रेजी में अगर हम कहें अन्नमय कोश को, तो उसको फिजिकल बॉडी कहा जाता है। फिजिकल बॉडी जो हमको दिखाई देती, जो आंखों से देख सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जो जल भी सकती है, जो महसूस भी कर सकती है, जो कट भी सकती है, जो पीड़ा भी अनुभव कर सकती है, वो क्या है? फिजिकल बॉडी। दूसरी बॉडी जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इथेरिक बॉडी कहते हैं। ये दूसरी प्रकार की बॉडी होती है, एथेरिक बॉडी। तीसरी बॉडी क्या है? जिसको मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। और चौथी
विज्ञानमय कोश ये हमारी कॉस्मिक बॉडी होती है और पांचवी आनंदमय कोश, इसको हम कैजुअल बॉडी कहते हैं। ये हमारी पांच शरीर हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये आवरण ओढ़े हुए हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब तक हम अंदर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपने वो सुना होगा कि गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री पारस है, पारस का मतलब क्या होता है, जिसको छूने के बाद लोहा सोना बन जाता है। और वो कहानी भी सुनी होगी आपने कि किस तरीके से एक सन्यासी के पास एक उसका शिष्य था और सन्यासी ने कहा मेरे पास बहुमूल्य चीज है, अटैची में रखी है, लोहे की संदूकची में रखी है। तो उस शिष्य ने सोचा कि ये कितना मूर्ख है कि लोहे की संदूकची में होती तो लोहे की संदूकची सोने की बन गई होती, उसका ताला लगा हुआ वो भी सोने का हो गया, और जब उसको खोला निकाला तो एक कपड़े की लुगदी मिली थी, एक गेंद सी बनी हुई गोल गोल, और जब उसमें से उसके ऊपर के कवर उतारे गए ना, जो आवरण होते हैं, आवरण धीरे धीरे करके उतारे तो आखिर में छोटा सा पत्थर मिला, और उस पत्थर से जैसी लोहे को छुआया गया वो क्या बन गया, वो सोने का बन गया। हम उन आवरणों को तो उतारना नहीं चाहते और ये सोचते हैं कि ये जो हमारा शरीर है यही शरीर हमारा सब कुछ है, सब कुछ है यही शरीर। लेकिन ये नहीं मालूम कि इस शरीर के अंदर जब हम अंतर्मुखी होंगे तो कितनी सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं इसके अंदर। हम तो बाहर की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, हम अंतर्मुखी कभी हुए ही नहीं। इसलिए मित्रों अन्नमय कोश को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तब तक आगे की तरफ हम बढ़ नहीं सकते। अन्नमय कोश ही ऐसे पदार्थों से बना है जो आंखों से देखे और हाथों से छुए जा सकते हैं, जिस पर शल्य क्रिया, जिस पर चिकित्सा और उपचार का प्रभाव पड़ता है। शेष चार जितने भी शरीर हैं जो मैंने आपको बताया, इथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और कैजुअल बॉडी, जो शेष जो चार वो हमारे सूक्ष्म तत्वों से बने हुए हैं, उनको हम आंखों से देख नहीं सकते और उनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि गम्य अवश्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। वो शेष चार, शेष चार जो है वो बुद्धि गम्य है, ज्ञान गम्य है, उनको हम ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से देख सकते हैं। और यही जो सबसे बड़ी चीज है उसकी अनुभूति हम धीरे धीरे करके एक के बाद एक करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जीवित मनुष्य में जो होता है उसका आंका जाने वाला जो होता है वो शरीर होता है, लेकिन उसके अंदर का जो साहस होता है वो तो दिखाई नहीं पड़ता, वो अनुभव किया जा सकता है। उसके अंदर का उत्साह है वो तो दिखाई नहीं पड़ता, उसको अनुभव किया जा सकता है। ये किससे होता है? ये मैंने जैसे अभी आपको बताया वो विद्युत प्रवाह से होता है। और ये जब विद्युत प्रवाह मनुष्य के अंदर जागृत होता है, अर्थात प्राणमय कोश जब जागृत होता है, तो मनुष्य उसी विद्युत प्रवाह से न जाने कितने बड़े बड़े काम करने में समर्थ हो जाता है। और इसको देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित होते रहते हैं। ये क्या होता है? ये विद्युत वलय, ये जो विद्युत प्रवाह है, ये तेजो वलय के रूप में मरने के बाद प्रेत सत्ता के रूप में अनुभव करने वाला कलेवर है। इसी प्रकार से जब तीसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो मानसिक कल्पनाओं के रूप में आता है, बौद्धिक प्रखरताओं के रूप में आता है। और इतनी मानसिक कल्पनाएं होती हैं, बौद्धिक प्रखरताएं होती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्हीं के सहारे लोग कैसे कैसे साहित्य को लिख देते हैं, कैसे कैसे आविष्कार करके वैज्ञानिक बन जाते हैं, कैसे कैसे आविष्कार करके बहुत बड़े बड़े चिकित्सक बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब मनोमय कोश का ही है। और ये मनोमय कोश जब जागृत होता है तब ये सारी चीजें हमको उपलब्ध होने लगती हैं। मित्रों आज हम एक चीज का प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से ध्यान की क्षेत्र में प्रवेश करें, और उसको प्रवेश करने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो भूमिका हमारी कौन सी है, और किस प्रकार से हम उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और प्रवेश करने के बाद कौन कौन सी चीजों की अनुभूति हमको होनी चाहिए और क्या क्या हमको करना चाहिए।
सबसे पहली चीज, जैसे कि परम पुरुष गुरुदेव के ध्यान को आपने सुना होगा वीडियो के माध्यम से भी और ऑडियो के माध्यम से भी, परम पुरुष गुरुदेव ने ध्यान के कक्षा में प्रवेश करने से पहले एक चीज बताई थी, उसकी भूमिका। और भूमिका में सबसे पहली चीज एक आती है ध्यान मुद्रा। परम पुरुष कहते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा का मतलब क्या है कि अपने आप को बाहर से काट देना, अपने आप को अंतर्मुखी कर लेना। बाहर जो कुछ भी हलचल हो रही है, उस हलचल का अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब हम ध्यान मुद्रा में नहीं आए। बाहर क्या हो रहा है, जरा से शोर मच रहा है या कहीं खनखनाहट होती है या किसी तरीके की होती है, तो हम इसका मतलब ध्यान मुद्रा में नहीं आए। बाहर की जितनी भी गतिविधियां हैं, बाहर की जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सारी वृत्तियों को शांत करना, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसमें सबसे बड़ी चीज कब होगी, महत्वपूर्ण चीज कब होगी, जब हमारा मस्तिष्क शांत होगा। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि मस्तिष्क जो है इसमें सारी क्रियाओं का केंद्र है और उसी से शरीर के, क्योंकि जो चीज भी होती है मस्तिष्क आदेश देता है। आपको मालूम है ना, रात को जब हम सोते रहते हैं, हम तो सोते रहते हैं लेकिन मस्तिष्क हमारा सोता है नहीं, मस्तिष्क नहीं सोता, मस्तिष्क जागता रहता है। आप कहेंगे मस्तिष्क कैसे जागता है साहब, जरा बताइए तो सही। अच्छा देखिए, रात को सोते समय जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं और कोई मच्छर आपके शरीर पर काटता है तो शरीर तो सोता रहता है, हाथ को आदेश देता है कौन, मस्तिष्क। और आदेश देने के बाद जहां मच्छर काटता है हाथ आता है तुरंत और हाथ उधर उसको पटक देता है, मच्छर को मार देता है या उड़ाने की कोशिश करता है। इसका मतलब मस्तिष्क हमारा जागृत है। मस्तिष्क जागृत रहता है, सारी चीजों का निर्देश कहां से मिलता है, मस्तिष्क को। तो इसलिए आप एक चीज करें, जब इस मुद्रा में आए, ध्यान मुद्रा में आए, तो मस्तिष्क से एक बात कहें, बार बार कहें, बार बार कहें कि वो शरीर के सभी अंगों को एक संदेश भेजे। क्या संदेश भेजे, कि आप शांत रहें, आप शांत रहें, आप किसी भी चीज पर किसी भी अवस्था में कोई भी प्रतिक्रिया न करें। वृत्ति हमारी अंतर्मुखी होती है तो क्या होता है मित्रों, बाहर की हलचलों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब बाहर की हलचलों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शरीर हमारा कैसा होगा, हल्का होगा। और जब शरीर हमारा हल्का होगा और बाहर का शोर नहीं दिखाई देगा तो हमको क्या चीज सुनाई देगी, जरा सोचिए क्या चीज सुनाई देगी। हमको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, हृदय की धड़कन, हृदय की स्पंदन। जो हृदय के अंदर धड़कन हो रही है, हृदय के अंदर जो स्पंदन हो रही है, वो हमको सहज रूप में सुनाई देगी, सहज रूप में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ध्यान को इसी स्पंदन पर केंद्रित करना है। ये जो हमारी धड़कन हो रही है, उसका जो स्पंदन हो रहा है, उसी की तरफ आपको केंद्रित करना है। और इससे बाहरी चिंतन की ओर, बाहरी गड़बड़ की ओर, बाहरी हलचल की ओर, बाहरी रंग की तरफ ये मस्तिष्क हमारा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। ये क्या है, ये हमारा पहला चरण है, ध्यान मुद्रा। और अगर इसी में हम सफल नहीं हुए मित्रों, तब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मस्तिष्क तो हमारा बाहर की हलचल देख रहा है, स्पंदन को हमारे अनुभव नहीं कर रहा है, बाहर की हलचल का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो अंतर्मुखी हम हो नहीं सकते। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है इसमें, जो परम पुरुष गुरुदेव कहते हैं और वो होना भी चाहिए, क्या है, दिव्य वातावरण। हम कहां बैठे हैं, हम दिव्य वातावरण के अंदर बैठे हैं। वातावरण हमारा कैसा है, दिव्य है चारों तरफ से। क्यों, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है परम पूज गुरुदेव ने वातावरण के बारे में बहुत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप कुल्लू के जो सेब होते हैं लेकर आए और कहें कि हम साहब उसमें कुल्लू के सेब को महाराष्ट्र में बो देंगे तो वो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, वहां का वातावरण नहीं। महाराष्ट्र में भुसावल का अगर आप केले का वृक्ष लेकर आए और आप कहें हरिद्वार में बो दें तो साहब वो होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा नहीं है। वातावरण का प्रभाव कितना पड़ता है आपको मालूम है, कि श्रवण कुमार ने वातावरण के कारण ही
अपने माता पिता को जिनको वो कांवड़ की यात्रा करा रहे थे उनको उतार दिया था कंधे से और कहा था कि आपकी आंखें तो नहीं है, आपके पैर तो हैं, चलिए पैदल क्यों नहीं चलते हैं। एक इसका प्रभाव वातावरण और महाभारत कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूतों को भेजकर उस स्थान को चुना था, उस वातावरण को देखा था जहाँ पर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, कुरुक्षेत्र का वो मैदान देखा था, इसलिए वातावरण का प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव यही कहते थे बार बार कि बेटा ये साधना करने के लिए हम शांति कुंज आपको क्यों बुलाते हैं, शांति कुंज इसीलिए बुलाते हैं कि यहाँ का वातावरण है, यहाँ का दिव्य वातावरण है और उस दिव्य वातावरण में बैठ कर आपको जो कुछ मिल सकता है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। आपको मालूम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब अपने आखिरी दिनों गए थे तो वो अपनी साधना के लिए इधर हिमालय की तरफ आए थे, रुद्रप्रयाग की तरफ, लक्ष्मण टूले की तरफ, मुनि की रेती की तरफ आकर उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने अपनी साधनाएं करी। आप ये अनुभव करें जब आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं कि हम शांति कुंज में बैठे हुए हैं, चारों ओर हवन की सुगंध, यज्ञ की सुगंध हमारे तरफ फैल रही है, वहां पर नियमित यज्ञ हो रहा है और गंगा की शीतलता मिल रही है, ऋषियों का और पवित्र आत्माओं का संरक्षण है यहाँ पर, उनके आलोक से ये दिव्य वातावरण भरा हुआ है, चारों तरफ हमारे दिव्य तरंगे बह रही हैं, चारों तरफ हमारी दिव्य सत्ता का प्रभाव भरा हुआ है, उनके तेजो वलय का कवच हमको चारों तरफ से घिरे हुए और हम अपने आप को क्या समझेंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि हमारा कवर हो गया। किससे कवर हो गया? हमारा कवच से कवर हो गया। इसके कवच से ऋषियों के प्रभाव से, दिव्य वातावरण से, ये जब आ जाता है दूसरी चीज, तब तीसरी चीज आती है मित्रों, उसको कहते हैं गंगा यमुना का संगम। गंगा यमुना का संगम आपको मालूम है, परम पूज्य गुरुदेव ध्यान में कहते हैं गंगा की गोद हिमालय की छाया, अर्थात हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर गंगा बह रही है, गंगा की निर्मल धारा बह रही है, गंगा का जल बह रहा है और हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर हिमालय की छाया हमको मिल रही है। ये क्या है, दिव्य वातावरण के बीच में प्रफुल्ल चित्त अनुभव करें और ये अनुभव करें कि हम अकेले नहीं हैं, लाभ देने के लिए गंगा का दिव्य प्रवाह उमड़ रहा है, हिमालय की शक्तियों का दिव्य प्रवाह उमड़ा हुआ चला जा रहा है। उत्साह और लहर अपने अंदर पैदा करें, उत्साह और लहर अपने अंदर अनुभव करें, आत्मविश्वास और साहस का जागृत करें, उनको जगाने का प्रयास करें। जब ये आत्मविश्वास और साहस हमारा अंदर से जग जाएगा तब आप ये महसूस करें कि हम इस वातावरण में आ गए जहाँ पर हम अपने मन को एकाग्र कर सकते, अपने आप को एक स्थान पर लगा सकते। और इसके बाद फिर अगली चीज आती है, उसको कहते हैं भाव समाधि। भाव समाधि का मतलब क्या हुआ? समाधि का मतलब ये हुआ योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब क्या हुआ कि हम अपने संकल्प के माध्यम से, हम अपने दृढ़ निश्चय के माध्यम से, हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से, अगर हमारे मस्तिष्क में कोई तनाव है, हमारे मस्तिष्क में कोई समस्याएं हैं, हमारे अंदर कोई विकार है, उनको दूर करने का प्रयास। जब ये दूर हो जाएंगे तभी हमारा ध्यान लगेगा, तभी हम केंद्रित होंगे। और अगर ये दूर नहीं होंगे तब मित्रों लाख कोशिश कर लेंगे कहाँ पर जाएगा ध्यान, इन्हीं चिंताओं पर जाएगा, कहाँ जाएगा इसी टेंशन पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा इसी पर जाएगा, कौन सी चीजों पर, इसको हम तनाव कहते हैं। और इसमें क्या चीज है मित्रों, गिरावट की चीजें बड़ी जल्दी आ जाती हैं। कौन सी गिरावट की चीजें, क्षमा कीजिएगा, ये गिरावट की चीजें ऐसी हैं जिसको साधारण भाषा में लोभ मोह अहंकार कह देते, क्रोध कह देते, और इसी को क्या कहा है गुरुदेव ने, इसी को कहा है वासना, तृष्णा, अहंता, उद्विग्नता, ये सारी चीजें हैं ना। गुरुदेव कहते हैं वासना शान, तृष्णा शान, अहंता शान, उद्विग्नता शान, यानी ये एक एक करके जब तक शांत नहीं होंगे तब तक
तब तक मित्रों हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और हम तनाव से ग्रस्त रहेंगे। तूफान में जब फंस जाते हैं तब नाव डूब जाती है। तो ये तूफान है हमारा, जिसको आप तृष्णा कहते हैं, जिसको आप अहंता कहते हैं, जिसको आप ये सारी बुराइयां कहते हैं। ये सारी बुराइयां, अहंता, तृष्णा, ये सब क्या है? वासना, ये सब क्या है? ये तूफान है। इन तूफानों से हमको अपने आप निकालना है। क्या करें? आभास, आभास करें कि हमारे अंतःकरण में दिव्य शक्ति का उदय हो, हमारे अंतःकरण से एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ चला है। और जब ये दिव्य प्रकाश निकलता है तो ये सारी चीजों को खत्म करके उस नौका को जो भंवर में फंसने का प्रयास करती है और फंस जाती है, उसको एक रास्ता देने का, और उसमें से वो निकल आती है। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तब एक आगे चीज आती है, उसको कहते हैं दिव्य दर्शन, एकत्व। एकत्व का मतलब मिलन, मिलन, दो चीजें मिलकर एक हो गई। और जब तक एकत्व नहीं होगा, दिव्य दर्शन नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। दिव्य दर्शन किसका करें? कहते हैं गायत्री का प्राण क्या है? सविता। दिव्य दर्शन किसका करें? सविता का। गुरुदेव कहते हैं ना ध्यान में, प्रातःकाल पूर्व दिशा सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय, ये सब क्या है? कि प्रातःकाल हम ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे चाहे किसी भी दिशा में, कहीं बैठे, लेकिन अनुभव ये करें, महसूस ये करें कि हम पूर्व दिशा की तरफ बैठे, हमारा मुंह जो है वो किस तरफ है? पूर्व दिशा की तरफ। और वहां पर स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है और प्रकृति के पदार्थ और साधनों के महत्व को और उनके प्रति आकर्षण को हम महसूस कर रहे हैं। और गायत्री का जो प्राण है वो सविता देवता, वो हमारा निकल रहा है और उसके प्रकाश से, उसकी गर्मी से हम ओतप्रोत हो रहे हैं। वो प्रकाश और वो गर्मी हमारे अंदर अनुभव हो रही है। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब वो नहीं जो हमको दिखाई देता, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश का मतलब होता है प्रज्ञा, प्रकाश का मतलब होता है विवेक। और गर्मी का मतलब होता है, गर्मी को हम क्या कहते हैं? गर्मी को कहते हैं अग्नि, गर्मी को कहते हैं ऊर्जा, गर्मी को कहते हैं शक्ति। ये सब शक्ति का प्रतीक है। यानी सूर्य का जब उदय होता है तो ये दोनों चीजें हम महसूस करते हैं, ज्ञान को महसूस करते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं। ज्ञान जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है और शक्ति जो है वो वर्चस्व का प्रतीक है। और जब ज्ञान और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ब्रह्म वर्चस्व हो जाता है। और जब ब्रह्म वर्चस्व होता है तब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए? ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान साधना की तरफ, यानी ज्ञान और शक्ति की ध्यान साधना की तरफ। ज्ञान की भी ध्यान, खाली ब्रह्म वर्चस्व कह देने से नहीं होगा, यानी ज्ञान और शक्ति की ध्यान साधना की तरफ बढ़ते हैं। यानी इससे किस चीज की उपलब्धि होगी? इससे दो चीजों की उपलब्धि होगी, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है शक्ति। दोनों की चीजें उपलब्धि होगी, ये ब्रह्म वर्चस्व है और यही हमारा सविता। भावना करें कि हम प्रातः काल में बैठे हैं, स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है, स्वर्णिम सूर्योदय की आभा हमारे सारे शरीर में चारों तरफ हमारे व्याप्त है। और ये सविता जो धीरे धीरे अपने आप को, अपने स्नेही जनों को, सबको प्रकाशित करता हुआ चला जा रहा है। जिस तरीके से दो चीजें होती हैं, दीप और पतंगा एक हो जाता है, जिस तरीके से दो चीजें होती हैं, वायु में गंध मिल जाती है, जिस तरीके से आग और ईंधन मिलता हुआ चला जाता है, जिस तरीके से बिंदु और सिंधु ये दोनों मिलते हुए चले जाते हैं, उसी तरीके से साधक और सविता ये दोनों मिलते हुए चले जाते हैं। अर्थात साधक और सविता एक हो जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है और इसी को कहते हैं एकत्व, इसी को कहते हैं दोनों का एकाकार। अब हम जब एकाकार तक आ गए तब इसके बाद हमारी साधना शुरू हो। अब वो साधना कौन सी होती है? वो साधना अन्नमय कोष की होती है। अन्नमय कोष की जो साधना होगी वो स्थूल शरीर से संबंधित सारी चीजों पर होगी। स्थूल शरीर के अंग और अवयव क्या हैं? हड्डी है, मांस है, मज्जा है, नसें हैं, ये
सारी चीजें हैं इनके अंदर शक्ति आती, और जब प्राणमय कोश की होती है तब उसके अंदर विद्युत का प्रवाह है। कहाँ से होगा विद्युत का प्रवाह? उसका केंद्र मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र से